सर जी, मैं पहले तो आपको बता दूं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे पिताजी 6 भाई हैं, घर में कम से कम 30 मेंबर हैं। ज़मीन उतनी पड़ती नहीं है, ज़मीन कम पड़ती है उसमें गुजारा नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं अपना परिवार लेके 8 साल से कर्नाटक में रहने लगा। उधर मैंने अपने बच्ची बच्चों को पढ़ाया, बच्चा को उधर पढ़ाई में मन नहीं लगा, उसको गांव भेज दिया। वो अपने नाना नानी के यहाँ पढ़ता रहा, बेटी मेरे साथ रही, मैं उसको पढ़ाता रहा। 8 साल में उसने फुल कन्नड़ा बोलना लिखना पढ़ना सीख लिया। वहाँ मेरा छोटा सा बिजनेस था, थोड़ा पैसा उधर इकट्ठा करके इसके बाद मैं आंध्र प्रदेश में 2 साल से आया। इसी बात से हमारा गीत अब प्रारंभ हो रहा है। एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। कऊ दिन ओड़ जय हंस अकेला। लॉकडाउन के पहले इसी प्रकार चलता था, 4 बजे उठ जाना, उठ के वो छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाना, 1-4 घंटा तो उसको बनाने में लगता था। 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक व्यापार करना, और 11 बजे फिर घर को वापस आ जाना, फिर दूसरे दिन से फिर यही काम। सर जी, पहले अब अच्छा काम चल रहा था, पेट का भरण पोषण पूरी तरीके से हो रहा था, अपने माँ बाप को भी देख पा रहा था। जब से लॉकडाउन लग गया बहुत परेशान हो गया सर जी मैं। लॉकडाउन में आप कहाँ थे और आपके दिन वहाँ पे कैसे कटे? पहले तो मैं इधर चित्तूर जिला के कलकरी गांव में रहता था। जब मेरे पास खाने को नहीं बचा तो हमारे रिश्तेदार रहते तो अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास चला गया। फिर उधर उन्होंने 8-10 दिन उन्होंने खवाया, उनके पास भी बढ़ा गया। फिर 21 दिन तो वहाँ के लोगों ने दिया, गवर्नमेंट हो या NGO वाले, वहाँ कौन से लोग भी हो उन्होंने दिया। इसके बाद फिर नहीं दिया। फिर फोन उनको लगाते थे, बोलते थे हाँ तुमको मिलेगा मिलेगा था, मिलता जलता कुछ नहीं था। गांव आने में बहुत मुश्किल हुई। हम लोग पैदल चले, कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद एक ट्रक मिला, ट्रक में ट्रक वाले ने 1 आदमी का 2500 रुपये लिया। मेरे पास तो पैसा नहीं था, इधर उधर से मांग के 10,000 रुपये करके ट्रक वाले को दिया। 5वें दिन ट्रक वाले ने हमारे गाँव को हमको गाँव पहुँचाया। और इधर गाँव में कैसा चल रहा है खाने पीने के लिए? ऐसा चल रहा है, अब वो अगले साल का धरा हुआ था उसी से चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला। अब तो बहुत मुश्किल आने वाली है। अब आंध्र प्रदेश तो जा नहीं सकते, अभी लॉकडाउन चल रहा है और कितने दिन चलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए हमारे ये खेत है इधर, अभी बरसात हुआ नहीं है, और अब हुआ 2 दिन हुआ बरसात हो गए तो अब उसमें कुछ डालेंगे, क्या होता कब होता कुछ मालूम नहीं।